स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्सरसाइज 4.1 करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस चैप्टर की एक खास बात है कि सभी क्वेश्चंस में एक ही फॉर्मूला यूज होना है, उसी मेथड को यूज करते हुए आपको पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, पूरा चैप्टर खत्म। एक ही एक्सरसाइज है इसमें, देखा होगा आपने। सो इजी है, बस आपको कैलकुलेशंस करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट जो गिवन है उसको हम कंसिडर कर लेते हैं। लेट पी एन बी द स्टेटमेंट और जो एन है उसकी वैल्यू देखो उन्होंने दे रखी है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, तो उसी नेचुरल नंबर्स वाली कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए हमें ये सोल्व करना है। और पी एन जो गिवन है वो है क्या स्टेटमेंट, एक बार फिर से लिख लेता हूं मैं। 1+3+3 स्क्वायर प्लस अप टू 3 टू दी पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 3 टू दी पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय 2। नाउ फॉर n इक्वल टू 1, सबसे पहले हम चेक करेंगे फॉर n इक्वल टू 1 पी एन, यानी कि अब क्या है पी वन इज इक्वल टू, या कॉलम का ही यूज करेंगे हम क्योंकि अभी हमें सोल्व करना है इसको। P1 जो होगा वो क्या हो जाएगा, देखिए लेफ्ट हैंड साइड 1 इक्वल टू राइट हैंड साइड 3 टू दी पावर 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 जो कि हो जाएगा 2/2, यानी वो भी 1 है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो विच इज ट्रू। फॉर n इक्वल टू 1 P1 इज ट्रू, ठीक है। नाउ अज्यूम दैट PK इज ट्रू, assume that pk is true for any integer k, ठीक है, कोई भी इंटीजर k के लिए pk true है, that is pk क्या हो जाएगा 1+3+3² अप टू 3 टू दी पावर k माइनस 1 इक्वल्स टू 3 टू दी पावर के माइनस 1 डिवाइड बाय 2। तो ये हमने अज्यूम किया है कि ये ट्रू है, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है जी। वी शैल नाउ प्रूव दैट, नाउ प्रूव दैट पी के प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, ये हम लिखेंगे जरूर, ठीक है। स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। सो पी के हमने कंसीडर कर लिया, अज्यूम कर लिया, और पी के प्लस 1 जो है वो हम प्रूव करेंगे। हम पी के प्लस 1 होगा क्या, देखिए पी के प्लस 1 विल बी इक्वल टू पी के प्लस 1 विल बी इक्वल टू 1+3+3² प्लस अप टू 3 टू द पावर k, ये हम यहां वाली कंडीशन तक ले लेंगे, k माइनस 1 वाली कंडीशन तक जो ओरिजिनल कंडीशन थी अपनी। इससे अगली टर्म क्या हो जाएगी, k की वैल्यू k प्लस 1, सो k प्लस 1 माइनस 1 k ही बच जाएगा, विच इज इक्वल टू 3 टू दी पावर k प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 2, ठीक है जी। सो पी के प्लस 1 अपना ये स्टेटमेंट होना चाहिए जिसमें लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है, तो हमें प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी। सो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में 1+3+3² ये जो टर्म्स हैं 1+3+3² 3k-1 इनको मैं रिप्लेस कर सकता हूं बाय इक्वेशन 1, देखिए यहां पे, ठीक है। सो इसको रिप्लेस कर लिया मैंने 3 टू दी पावर के माइनस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस में 3k, ठीक है जी। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, एलसीएम लीजिए 2 आ गया, 3 टू दी पावर के माइनस 1 प्लस 2 3 टू दी पावर के, ढंग से लिख लेता हूं इसको एक बार, देखिए एलसीएम 2 आ गया, ठीक है जी। 3 टू दी पावर के माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स 3 टू दी पावर
ओके जी, 3 to the power k कॉमन ले लिया तो एक जगह बच गया 1, एक जगह बच गया 2, माइनस 1 है ही एज इट इज डिवाइडेड बाय 2, 2 प्लस 1 3 होता है, तो 3 टू द पावर के मल्टीप्लाई 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3 टू द पावर के प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 विच इज योर राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड भी तो यही है। लास्ट में हमें ये प्रूव करने के बाद ये स्टेटमेंट्स लिखने हैं। दस पी के प्लस 1 इज ट्रू व्हेन एवर पी के इज ट्रू, हंस फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द स्टेटमेंट पी एन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स एन। ये लास्ट में हमें लिख देना है। योर क्वेश्चन इज कंप्लीट। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन की भी शुरुआत हम वैसे ही करेंगे। लेट पी एन बी द स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट है। सो पी एन क्या हो जाएगा, 1 cube प्लस 2 cube प्लस 3 cube प्लस अप टू एन क्यूब इक्वल्स टू एन इंटू एन प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये सभी टर्म्स स्क्वायर में, ठीक है। नाउ फॉर एन इक्वल्स टू 1, एन इक्वल्स टू 1 के लिए चेक करेंगे। n इक्वल्स टू 1 के लिए p1 क्या हो जाएगा, देखिए लेफ्ट हैंड साइड एक ही टर्म आएगी 1 का क्यूब 1, राइट हैंड साइड n की जगह 1 पुट करेंगे, 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 2 बाय 2 का होल स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड यानी विच इज ट्रू, ठीक है जी। फॉर n इक्वल्स टू 1 P1 is true। इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब ये है। Now, अब now assume that PK is true। ठीक है, PK is true। कोई एक इंटीजर के लिए PK true है, इसका मतलब that is PK 1 cube plus 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू n क्यूब, n की जगह अब क्या यूज करेंगे, k, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो फॉर k क्यूब k k प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2 इन सब का स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेंगे, ठीक है जी। चलिए नाउ व्हाट, अब क्या करें, नाउ वी हैव टू प्रूव, वी शैल प्रूव दैट पी के प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। ये हमने अज्यूम किया पहले तो कि पी के ट्रू है, तो अब हम प्रूव करेंगे कि पी के प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। सो पी के प्लस 1 हो क्या जाएगा, प्रूव करना क्या है आपको वो तो देखें पहले। सो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू के क्यूब, और इससे अगली टर्म क्या हो जाएगी, के प्लस 1 होल क्यूब इक्वल्स टू के की जगह के प्लस 1, के प्लस 1 प्लस 1 तो के प्लस 2 होल डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर। तो ये प्रूव करना है हमें, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो नाउ टेक लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने, उस लेफ्ट हैंड साइड में देखिए 1 क्यूब 2 क्यूब अप टू k क्यूब, ये जो है ये इक्वेशन 1 से हम इसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। सो ये आपकी इक्वेशन 1 ही है एक्चुअली, सो उससे रिप्लेस कर देते हैं, मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं k इंटू ओम फो लिख देता हूं मैं, के इंटू के प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2 और इसका स्क्वायर, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन वन ओके प्लस के प्लस 1 होल क्यूब। अब इसको सोल्व करते हैं,
और जो राइट हैंड साइड में है पी के प्लस वन के, इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि ये ऐसा ही आता है या फिर नहीं। ठीक है जी, स्क्वायर रूट हटा लीजिए, सो के स्क्वायर हो जाएगा, के प्लस वन का स्क्वायर हो जाएगा, टू का स्क्वायर फोर, और ये के प्लस वन होल क्यूब। स्क्वायर और क्यूब जो है इनको ओपन मत कीजिए जब तक कि आपको जरूरत ना हो। देखिए कुछ कॉमन ले सकते हैं हम इनमें से, सो बचेंगे जब तक की जरूरत ना हो ओपन करने से। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम सभी का फोर आ जाएगा, सो ये टर्म हो गई के स्क्वायर, ये हो गई के प्लस वन का स्क्वायर, प्लस ये फोर टाइम्स के प्लस वन का क्यूब, विच इज इक्वल टू, अब इनमें से के प्लस वन स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, के प्लस वन स्क्वायर कॉमन आ रहा है सभी में से, फर्स्ट टर्म में से बच गया के स्क्वायर, सेकेंड टर्म में से बच गया फोर के प्लस वन, यानी फोर के प्लस फोर डायरेक्ट लिखा है मैंने, ठीक है, डिवाइड बाय फोर। नेक्स्ट आ जाएगा के प्लस वन का स्क्वायर, ठीक है जी, के स्क्वायर प्लस फोर के प्लस फोर, इसको लिख सकता हूं मैं के प्लस टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर। ठीक है जी, क्यों यूज किया मैंने ये, देखिए के प्लस टू का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास टर्म्स आएंगी के स्क्वायर प्लस फोर के प्लस फोर, ठीक है जी, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ओके, अब देखिए सभी पे स्क्वायर है, के प्लस वन पे भी, के प्लस टू पे भी, और फोर पे भी, फोर टू का स्क्वायर हो गया, तो इन सब के ऊपर स्क्वायर रख देता हूं, विच इज योर राइट हैंड साइड, हंस या दस, दस पी के प्लस वन इज ट्रू व्हेनेवर पी के इज ट्रू। ठीक है, सो फ्रॉम मैथमेटिकल इंडक्शन पी एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है जी, ये हमारा फाइनल स्टेटमेंट होगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा लेंदी है, सो लेट पी एन बी द स्टेटमेंट, सो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं अब पी एन बी द स्टेटमेंट। पी एन क्या है, वन प्लस वन अपॉन वन प्लस टू प्लस वन अपॉन वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस, इस तरीके से चलता जाएगा कहां तक, वन अपॉन वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू एन, विच इज इक्वल टू 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 द पावर एन, सॉरी कोई पावर नहीं है भाई, टू एन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है जी, तो पी वन के लिए चेक कर लेते हैं इसको, फोर एन इक्वल टू वन, पी एन वन के लिए चेक कर लेते हैं, तो पी वन के लिए क्या होगा स्टेटमेंट देखिए, वन बनी आना है, एक ही टर्म आनी है लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल टू टू इंटू वन अपॉन वन प्लस वन, विच इज टू बाय टू, वो भी वन है। ठीक है, सो फॉर एन इक्वल टू वन पी वन इज ट्रू, पी वन ट्रू है। नाउ अज्यूम दैट, अज्यूम दैट पी के इज ट्रू, पी के ट्रू है फॉर एन इंटीजर एन, एन की किसी इंटीग्रल वैल्यू के लिए या नेचुरल नंबर वैल्यू के लिए। ठीक है जी, पी के इज ट्रू का मतलब क्या है कि पी के वन प्लस वन अपॉन वन प्लस टू प्लस वन अपॉन वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस, ऐसे ऐसे चलता जाएगा वन अपॉन वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू एन, एन की जगह अब क्या यूज करना है के, सो पी के लिख लेता हूं मैं यहां, विच इज इक्वल टू टू के इंटू इंटू नी डिवाइड बाय के प्लस वन। ठीक है जी, चलिए, सो हम अज्यूम कर रहे हैं ऐसा कि पी के ट्रू है और इसको हम इक्वेशन वन मान लेते हैं। नाउ वी शैल प्रूव दैट
prove that we shall prove that p k plus 1 is also true. p k plus 1 जो है वो भी true होगा. तो p k plus 1 देख लेते हैं पहले होगा क्या. p k plus 1 जो स्टेटमेंट होगा वो होगा 1 plus 1 by 1 plus 2 plus प्लस 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 डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस अप टू के. ठीक है, और इससे अगली टर्म हो जाएगी 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस अप टू के प्लस 1. ठीक है जी, ओके. विच इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स के की जगह के प्लस 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 पहले से है और k की जगह k प्लस 1 रखेंगे आप तो k प्लस 2 हो जाएगा k प्लस 2. तो पहले आप लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं. देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड है और यहां तक का जो है पोर्शन इसको हम फ्रॉम इक्वेशन 1 रिप्लेस कर सकते हैं किससे. देखिए तो लेफ्ट हैंड साइड उठाई मैंने, लेफ्ट हैंड साइड में ये जो पोर्शन है फ्रॉम इक्वेशन 1 इसको रिप्लेस कर सकते हैं तो वो हो जाएगा 2k अपॉन k प्लस 1, 2k अपॉन k प्लस 1. प्लस में जो नई टर्म ऐड हुई है इसमें वो ये है 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू k और उससे अगली k प्लस 1. ठीक है जी, ओके. नाउ इनको सिंप्लीफाई करते हैं. सो 2k अपॉन k प्लस 1 प्लस में थोड़ी सी स्पेस ज्यादा चाहिए मेरे को 1 अपॉन ये जो रिलेशन है यहां से लेके यहां तक. ठीक है, इसको देखिए मैं यहां लिख भी देता हूं 1 प्लस 2 प्लस अप टू n प्लस में, n टर्म्स प्लस में है तो इनको लिख सकते हैं हम n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2. ठीक है, तो इसको यूज करते हुए यहां से यहां तक जो ये पोर्शन है इस पोर्शन को मैं लिख लेता हूं 1 अपॉन k इंटू k प्लस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस में k प्लस 1 जो अपनी नई टर्म है वो. गॉट इट. ठीक है जी, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं इसको. इक्वल्स टू 2k अपॉन k प्लस 1 प्लस 1 अपॉन, सिंप्लीफाई करते हैं इसको. सो k इंटू k प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स k प्लस 1 एलसीएम लेने के बाद आया और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में हो जाएगा 2. ठीक है, तो मैं अच्छे से ही लिख देता हूं, न्यूमरेटर में हो गया आपके 2. ओके जी, नाउ अब बहुत सारी चीजें हम कॉमन ले सकते हैं इसमें से. ठीक है, तो देखिए 2 हमें चाहिएगा न्यूमरेटर में, कॉमन ले लिया हमने. डिनोमिनेटर में k प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, सो बच क्या गया यहां से, तो बच गया k डिनोमिनेटर में इसके 1 प्लस 2 यहां से भी चला गया सेकंड टर्म में से, तो 1 k प्लस 2 रह गया. ठीक है, सो 1 अपॉन k प्लस 2 रह गया यहां पे. गॉट इट. चलिए फर्दर सॉल्व करते हैं इसको. देखिए मल्टीप्लाई में है आपके पास 2 अपॉन k प्लस 1 और अंदर इसको सॉल्व करते हैं तो एलसीएम आ जाएगा आपका k प्लस 2 जो कि चाहिए भी हमें. एलसीएम k प्लस 2 आ गया तो k इंटू k प्लस 2 प्लस 1 ये टर्म्स आ गई आपके पास. गॉट इट. ठीक है जी, इक्वल्स टू 2 टाइम्स k प्लस 1 मल्टीप्लाई, अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 2 अपॉन k प्लस 1
मल्टीप्लाई के स्क्वायर प्लस टू के प्लस वन, इसको मैं लिख सकता हूं के प्लस वन का स्क्वायर, ठीक है जी, अपॉन में के प्लस टू है ही इसके, विच इज इक्वल्स टू, इक्वल्स टू से पहले ये रीजन लिख देता हूं। देखिए क्या यूज किया मैंने, k प्लस वन का स्क्वायर क्या मिलेगा मुझे, k स्क्वायर प्लस टू के प्लस वन। सो k स्क्वायर प्लस टू के प्लस वन को रिप्लेस कर दिया मैंने k प्लस वन होल स्क्वायर से, ठीक है जी, इक्वल्स टू। अब इसमें देखो ये स्क्वायर वाली टर्म k प्लस वन से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो टू के प्लस वन न्यूमरेटर में बच गया और डिनोमिनेटर में के प्लस टू, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दस पी के प्लस वन इज ट्रू व्हेनेवर पी के इज ट्रू, शकीरा का गाना है ना, व्हेनेवर याद आ गया, चलो पी के इज ट्रू। हंस में क्या लिखेंगे, हंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, इंडक्शन पी एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स।